सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है, एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। जीवन में लोग प्यार करने के लिए होते हैं और चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए, पर हम लोगों का इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों से प्यार करते हैं। तस्वीर में साथ होने में और तकलीफ में साथ होने में बहुत फर्क होता है। आज का पंचांग 16 फरवरी 2022 दिन बुधवार, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रात्रि 10:26 तक रहेगी। इसके उपरांत कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्लेषा नामक नक्षत्र दोपहर 3:14 तक रहेगी। इसके उपरांत मघ नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:41 से 2:05 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा कर्क राशि पर दोपहर 3:14 तक रहेगी। इसके उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। मेष राशि 16 फरवरी 2022 दिन बुधवार, आपको खुद पर बहुत यकीन है लेकिन अति आत्मविश्वास और अधिकार जताने की प्रवृत्ति से बचें। दूसरों पर अपनी राय थोपने के आदत से आज आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन सही होना ही काफ़ी नहीं है। आपको इसका अभी ध्यान रखना होगा कि आप दूसरों को नाराज ना करें। थोड़ा नरम रवैया अपनाएंगे तो काफ़ी लंबित कार्यों को आज पूरा कर पाएंगे। समय अनुसार अपने स्वभाव में भी लचीलापन लाने से आपका मान सम्मान और गरिमा बढ़ेगी। मन में असीम शांति महसूस करेंगे। घर के बदलाव संबंधित कुछ योजनाएं बनेगी। वास्तु समेत नियमों का भी अवश्य पालन करें, इससे घर में सुख शांति भी बनी रहेगी। अपने गलतियों से सीख लेकर खुद में बदलाव करने की कोशिश करें, लेकिन इसके लिए आपको इच्छा शक्ति बढ़ानी होगी। आपकी सोच में आ रहे बदलाव जीवन में भी दिख सकते हैं। कुछ लोगों के साथ स्पष्ट बातचीत करनी होगी। आपका विश्वास बढ़ने की वजह से सकारात्मक महसूस भी होगा। रिलेशनशिप से संबंधित नकारात्मक बातें दूर होने लगेगी। सेहत में बदलाव नजर आएगा। सावधानियां, बच्चों के भविष्य संबंधित योजनाओं में दिक्कतें आने से मन कुछ परेशान रह सकता है। पड़ोसियों के साथ किसी वाद विवाद को धैर्य से सुलझाने का प्रयास करें। कुछ अनावश्यक खर्चे बने रहेंगे। इस समय अपनी जरूरतों को सीमित रखना भी होगा। बात करते हैं लव लाइफ की। घर परिवार में सुख शांतिपूर्ण माहौल रहेगा तथा सभी सदस्यों में आपसे सामंजस्य उचित बना रहेगा। अच्छा, आपके साथ काफ़ी मनोरंजक घटनाएं होगी। आप जिसके साथ यात्रा करेंगे उनके लिए आपके आकर्षण से बच पाना मुश्किल होगा। अगर आपके दिमाग में इसे लेकर कोई संदेश आता है कि आप जो कर रहे हैं वह ठीक है या नहीं, तो अपने फैसलों के बारे में एक बार फिर सोच लें। लेकिन अब आप वयस्क हो गए हैं। आप किसी चीज में शामिल होते भी हैं तो आपको बहुत चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बात करते हैं करियर की। आज अब वह प्यार और खुशी को पाएंगे जो आप अपने कार्य क्षेत्र में महसूस करते थे। बाहरी दबावों और काम के बोझ की वजह से वह खुशी कहीं दब सी गई थी, पर एक खुशनुमा पल आपको ये एहसास कराएगा कि क्यों आपने ये कार्य क्षेत्र चुना था और ये क्यों आप पर इतना जचता है। आज के दिन अपने कार्य क्षेत्र में अपना रवैया बदलने के लिए अति उत्तम है। बिजनेस में तरक्की के मौके मिलेंगे। कामकाज संबंधित गतिविधियों में सकारात्मक बदलाव होगा। युवाओं को इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। नौकरी में चल रही परेशानियां दूर होने से राहत भी मिलेगा। भवन निर्माण सामग्री के निर्माता अधिक लाभ में रह सकते हैं। ग्रेनाइट कारोबारियों के लिए कार्य संबंधित अधिक अनुकूलता भी रह सकती है।
प्रतिष्ठा वृद्धि भी हो सकती है, मन प्रसन्न रहेगा। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य कुछ नरम रह सकता है, ध्यान रखें। ग्रहों का संकेत है कि आज चिंता का विषय शारीरिक के बजाय मानसिक स्वास्थ्य रहेगा। अगर आप कुछ समय से अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं तो यह सबसे उपयुक्त समय है कि आप किसी अच्छे विशेषज्ञ की मदद लें। अब इस पर ध्यान नहीं देंगे तो समस्या गंभीर हो जाएगी, जिससे आप असहाय महसूस कर रहे हैं। इसके लिए भी आपको विशेषज्ञ की ही मदद लेनी होगी। आज का उपाय, आज अब गरीबों को हरी मूंग का दान करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।